हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा अच्छे होंगे। आज फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं अपने यूट्यूब चैनल एसआर सचिन एसआर में। तो आज आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आया हूं, जो कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल से है। अगर आपका कंट्रोलर ख़राब हो जाता है तो अब मार्केट में एक नए तरीके का कंट्रोलर उपलब्ध है, जो कि जिसको हम बोलते हैं स्मार्ट कंट्रोलर। जो हाँ, आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये एक वायरलेस कंट्रोलर है जो कि इलेक्ट्रिक स्कूटर में लगता है। अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वो जो बगल में बेल आइकन दिखाई पड़ रहा है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ कि मैंने उस कंट्रोलर को मंगा लिया और उसकी अनबॉक्सिंग करूँगा कि वो उसमें क्या फैसिलिटीज़ दे रखी है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटर का कंट्रोलर ख़राब हो चुका है तो आप ये वाला भी कंट्रोलर इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि इसका एवरेज ज़्यादा होता है और इसमें पिकअप भी काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, जो कंट्रोलर की मेनली सिस्टम है वो क्या करता है कि मोटर को राउंड करवाने का काम करता है और सेंस करने का काम करता है कि कब आपने एक्सीलेटर लिया। जी हाँ फ्रेंड्स, कब आपने एक्सीलेटर लिया तब वो मोटर को राउंड करवाएगा। तो इसीलिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको अब ये कंट्रोलर लगवाना हो सकता है, स्मार्ट कंट्रोलर जिसको हम लोग बोलते हैं। और इसकी पूरी वायरिंग डायग्राम दिखाएंगे आपको, उसके बाद आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और जो बगल में बेल आइकन दिखाई पड़ रहा है उसको प्रेस करना पड़ेगा, ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सारे कंट्रोलर आपने इस तरीके के देखे होंगे जो इसमें वायर निकले रहते हैं। अब मैं आपको वायरलेस कंट्रोलर दिखाने वाला हूं, जो कि अब बहुत सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर में लग करके आ रहा है। तो ये एक कंट्रोलर जो कि थोड़ा सा ओल्ड हो चुका है और ये न्यू कंट्रोलर एक आया हुआ है जो कि मार्केट में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस क्रिएट कर रहा है। ये जो कंट्रोलर होता था इसमें से ज़्यादा बैटरी की पावर कंज्यूम होती थी, लेकिन वो जो कंट्रोलर है उसमें बिल्कुल भी पावर कंज्यूम नहीं होती है और उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। इस वजह से मैंने ये कंट्रोलर मंगाया हुआ है और एक इलेक्ट्रिक स्कूटर में मैं लगा करके भी आपको इसको दिखाऊंगा। तो इसको मैं रखता हूँ साइड में और मैंने ले लिया है एक छुरी। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये पैकेट पूरा एकदम सील्ड पैक्ड है। तो मैंने इस कंट्रोलर को मंगाया हुआ है बाहर से और हम लोग इसको ओपन करते हैं। तो बहुत ही अच्छी पैकिंग करी गई है। तो आप देख सकते हैं उसमें से कुछ अच्छा अच्छा ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है और हम लोग इसको निकालते हैं और देखते हैं इसमें कौन सा कंट्रोलर आया है। तो यहाँ पे मैंने 72 वोल्ट का कंट्रोलर मंगाया है जो कि अच्छा परफॉर्मेंस क्रिएट करे मेरे इलेक्ट्रिक स्कूटर में। तो यहाँ पर हमने इसको निकाल लिया है। तो आप देख सकते हैं ये है एक कंट्रोलर जो कि कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, लेकिन मैंने आपको इसके आगे का फेस नहीं दिखाया है, ये आपको पीछे का फेस दिखा रहा हूँ। तो ये है कुछ आगे का। तो मैंने यहाँ पे जो कंट्रोलर मंगाया हुआ है वो है 72 वोल्ट और यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि मैं आपको साफ साफ दिखाऊंगा इस वीडियो में, BLDC हब मोटर का 72 वोल्ट और ये 1200 वॉट की मोटर पे परफॉर्मेंस क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे ये जो इसकी स्पीड होने वाली है वो 70 से 80 के बीच वाली है और ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस क्रिएट करने वाला है जैसा कि मुझको पता चलता है। और ये सील्ड पैक्ड होता है, लिक्विड कूल्ड होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा जो है एकदम सिस्टम बनाया गया है कि ये ताकि जल्दी ख़राब ना हो। और ये एक और भी मैं आपको बात बताने वाला हूँ, ये पूरा वाटरप्रूफ होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये पूरा वाटरप्रूफ होता है। और तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जैसा कि
इसमें कोई वायर नहीं दे रखी है, जैसा कि पुराने वाले कंट्रोलर में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर पूरा वायरों का गुच्छा दे रखा है। ये बेकार सा कंट्रोलर है, इसमें अगर कोई एक वायर डैमेज हो जाती है तो पता भी नहीं चलेगा आपको। तो यहाँ पे आप कैसे कनेक्शन करेंगे ये तो मैं अगली वीडियो में आपको समझाऊंगा, लेकिन पार्ट टू मैं ज़रूर बनाऊंगा। और यहाँ पर आप सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो जान लीजिए, ये तो केवल एक डेमो है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन जब इसकी वायरिंग पूरी बताएंगे तब ये आपको पूरा क्लियरली समझ में आ जाएगा। उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा पार्ट टू देखने के लिए। तो सबसे पहले जल्दी से शुरू करते हैं और इसमें बताते हैं कि आपको प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट कहाँ डालना होगा और मोटर के कनेक्शन कहाँ पे करने होंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये कुछ कलर कोडिंग दिखाई दे रही होगी, आप देख पा रहे होंगे ये एक प्लस पॉइंट है और एक ये माइनस पॉइंट है और ये कुछ कलर कोडिंग दिखाई दे रही। तो जी हाँ फ्रेंड्स, ये कलर कोडिंग ही मायने रखती है इस कंट्रोलर में। और यहाँ पे एक आपको सॉकेट मिलेगा, एक सॉकेट यहाँ पे मिलेगा और एक सॉकेट यहाँ पे मिलेगा। तो चलिए इसको जल्दी से देखते हैं डीपीली में कि आप इसमें कनेक्शन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले कनेक्शन के लिए यहाँ पे चार पिंच लगे रहेंगे, 1 2 3 4, इसको जल्दी से हम लोग ओपन कर लेते हैं। तो ये देखिए इसके अंदर कुछ इस प्रकार का कनेक्शन दिखाई देता है, जैसा कि आप देख सकते हैं मॉडल लिखा हुआ है, ऊपर से यहाँ पर भी कुछ ब्रांडिंग करी गई है, जिस कंपनी का ये है कंट्रोलर उस कंपनी की ब्रांडिंग करी गई है और 72 वोल्ट लिखा हुआ है और भी काफ़ी सारे 50 एम्पियर तक का है, ये देखिए 50 एम्पियर। और यहाँ पे देख सकते हैं बैटरी टर्मिनल का प्लस पॉइंट लगाना है आपको, ये देखिए लिखा हुआ है। और इसको मैं थोड़ा सा यूँ कर लेता हूँ, बैटरी टर्मिनल का प्लस पॉइंट लगाना है यहाँ पे और यहाँ पर मोटर का लगाना है ब्लू वायर और यहाँ पर ग्रीन वायर लगाना है और यहाँ पर येलो वायर लगाना है और यहाँ पर आपको बैटरी का माइनस पॉइंट लगाना है। तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी भी है, आप देख सकते हैं मेरे हाथ में कुछ है तो हम थोड़ी सी खुजली कर लेते हैं इससे, देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा मटेरियल भी प्रयोग किया गया है, वाटर प्रूफ भी है ये, काफ़ी अच्छा है। तो आपने क्या सीखा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि नया कंट्रोलर कैसे आया है मार्केट में और ये किस प्रकार से काम करेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, इसकी वायरिंग डायग्राम को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और वायरिंग डायग्राम मेरे जो चैनल पे आएगी वो काफ़ी डिटेल में होगी, तो वायरिंग डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको कैसे परफॉर्मेंस करवाते हैं, तो एक बार देख लेते हैं केवल शॉर्ट्स में। तो देख सकते हैं जैसा कि इसमें पूरी वायरलेस वायरिंग कंट्रोलर की गई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल कपलर की मदद से ही इसमें वायरिंग करी जा सकती है। अगर आप चाहें कि ऐसे बिना कपलर के करें तो नहीं हो सकती, तो ये कपलर इतनी जल्दी ढीले भी नहीं होते और निकलते भी नहीं क्योंकि ये लॉक रहते हैं। लॉक कैसे रहेंगे मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं इसमें लॉक सिस्टम दे रखा है, ये पूरा दबा करके पुश करके ही निकलता है, ये कपलर को लॉक कर देता है और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ग्रेट है। तो इसको हम लोग इसमें इंस्टॉल करते हैं। तो जल्दी से अगर आपको इसकी पूरी वायरिंग सीखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से और मैं आपको कई सारी चीज़ें इसमें बताऊंगा आज। तो ये भी आप देख सकते हैं इसमें कई तरीके के कंट्रोलर मौजूद हैं, 48 से 60 वोल्ट है और जो मैंने मंगाया है वो 72 वोल्ट है। तो इसको ज़रा हम लोग परफॉर्मेंस करते हैं, जैसे ही मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ देख सकते हैं गाड़ी पूरी रनिंग कंडीशन में है। अब आप स्पीड देखिए, बस केवल थर्ड गियर पे है, स्पीड देखिए आप, तो स्पीड काफ़ी है, पिकअप इसमें काफ़ी रहता है, इस कंट्रोलर में इतना पिकअप है कि मैं आपको क्या बताऊं। तो इसमें जल्दी से जो है इंस्टॉल करते हैं।